हाल ही में नीति आयोग ने देश के सरकारी अस्पतालों को लेकर जो रिपोर्ट पेश की है उसमें स्वास्थ्य सेवाएं ज्यादा बेहतर दिखाई नहीं दे रही हैं। लेकिन नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा में 1,00,000 की जनसंख्या पर मात्र 13 बेड सरकारी अस्पतालों में पाए गए हैं। लेकिन अगर रोहतक जिले की बात करें तो यहां पर बेड के मामले में कुछ बेहतर स्थिति है और 1,00,000 की जनसंख्या पर 216 बेड सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध हैं। इतना ही नहीं बल्कि रोहतक जिले में 5,500 के करीब बेड इलाज के लिए उपलब्ध हैं। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि वो हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं, चाहे वो कोरोना की तीसरी लहर ही क्यों न हो। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जितने भी बेड्स हैं उनकी संख्या के बारे में मैं आपको बताऊं, जो हमारे PGIMS है इसके अंदर 2,200 के आसपास बेड हैं और जो हमारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है इंक्लूडिंग सिविल हॉस्पिटल और PHC CHC और SDH इसमें हमारे 400 के आसपास बेड हैं। और इसके बाद अगर जो प्राइवेट अगर हम इनमें इंक्लूड करते हैं तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जो मोर देन 50 बेडेड हॉस्पिटल हैं वो हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, वो 12 हॉस्पिटल हैं जो हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, तो उनकी जो बेड संख्या है वो 2,500 के आसपास है। तो ये ऐसे कुल मिला के हमारे पास ये टोटल अगर हम देखें तो ये 5,500-5,600 के आसपास बेड हो जाते हैं। लेकिन इसके अंदर वो वाले जो बेड जो लेस देन 50 जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो इंक्लूड नहीं है। रोहतक डिस्ट्रिक्ट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, हमारी जितनी जो डॉक्टरों की पोजीशन है वो लगभग सारे के सारे जितनी भी वैकेंट को हमारे यहाँ कोई पोस्ट वैकेंट नहीं है। सभी स्पेशलिस्ट हमारे सिविल हॉस्पिटल में और जो हमारे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेके और CHC और SDH तक हमारी जो पोस्ट हैं सभी भरी हुई हैं, वैकेंसी नहीं है। जो तीसरी लहर की तैयारियाँ हैं उसके लिए जो कोविड स्पेशल जो बेड हैं बच्चों के लिए वो हमारे पास PGI, हमारा जनरल हॉस्पिटल, हमारा SDH और जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनके अंदर हमारी तैयारियां लगभग सारी ऑक्सीजन और बेड संख्या के हिसाब से तैयारियां पूरी हैं। डेप्यूटी सिविल सर्जन के मुताबिक रोहतक जिले की जनसंख्या लगभग 12,00,000 है और यहां पर PGIMS भी है। अगर इस सरकारी अस्पतालों की बात की जाए तो 400 बेड मरीजों के इलाज के लिए उपलब्ध हैं। वहीं PGIMS में 2,200 बेड उपलब्ध हैं। अगर जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो 1,00,000 जनसंख्या पर इन सरकारी अस्पतालों में 116 बेड उपलब्ध हैं। PGI रोहतक में कोरोना के इलाज के लिए 1,085 बेड की उपलब्धता है, तो वहीं सरकारी अस्पतालों में 335 बेड कोविड के इलाज के लिए रिजर्व रखे गए हैं। अगर फिर भी कोरोना की तीसरी लहर आती है तो उनके पास ऑक्सीजन बेड, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ICU और वेंटिलेटर की भी उपलब्धता है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।